ओम शांति। आज की कहानी इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध की धर्म सभा में रोज प्रवचन चलता था। एक व्यक्ति रेगुलर उनका प्रवचन सुनने आते थे। ये क्रम उसका एक मास चला, परंतु महात्मा बुद्ध की बातों का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महात्मा बुद्ध प्रवचन में कहते थे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पापों का मूल है, इसका त्याग करो। परंतु उस व्यक्ति के अंदर इतने विकार थे, दिनों दिन वो उसमें ज्यादा फंसता जाता था। महात्मा बुद्ध कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने क्रोध करता है और अगर हम सामने क्रोध नहीं करते हैं तो हम जीवन की बहुत अच्छी बड़ी युद्ध में विजयी बनते हैं, परंतु उस व्यक्ति को दिन प्रतिदिन ज्यादा ही क्रोध आता था। आखिर उससे रहा नहीं गया और वो महात्मा बुद्ध को मिला और उनको कहा कि मैं आपके प्रवचन पिछले एक मास से रोज सुन रहा हूँ। आप बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन कर रहे हो, परंतु मेरे जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम कहाँ रहते हो? तो कहा, मैं श्री वस्ती में रहता हूँ। बोला, वो यहाँ से कितना दूर है? तो व्यक्ति ने कहा, 1 घंटे की दूरी पर है। तो बोला, तुम वहाँ रोज कैसे जाते हो? तो उन्होंने कहा, मुझे सवारी करके जाना पड़ता है। बोला, कितना समय लगेगा? तो व्यक्ति ने बताया कि इतना समय सवारी में लगता है घर पहुंचने पर। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ बैठे बैठे अपनी श्री वस्ती में पहुंच जाओ। तो व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, ये कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए जो आपको मैंने अभी सब विधि बताई वो तो मुझे अपनानी पड़ेगी, तब भी मैं वहां जाके पहुंचूंगा। तो महात्मा ने कहा, तुम सही कहते हो, चलने के बिगैर तुम मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? अच्छी बातें सुनते हैं, पर जब तक जीवन में अमल में नहीं लाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा कैसे बन सकेगा? कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन के अंदर जो जो भी हम अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब तक हमने जीवन में उसको अपनाया नहीं, उतारा नहीं, तब तक हमारी जीवन सफल नहीं हो सकती है और हम उसमें विजयी नहीं बन सकते हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ओम शांति।